अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 18 के साथ कैलकुलस के एक बार फिर हाज़िर। अभी तक होपफुली सब कुछ ठीक ठाक जा रहा है आपकी जो कैलकुलस की कोर्स में सारी चीज़ें जो हमने देखी हैं। पिछली दफ़ा हमने ड्रिवेटिव्स के बारे में काफ़ी बातचीत की थी, बल्कि पूरी जो अब सीक्वेंस चल रही है लेक्चर सी, इसमें ड्रिवेटिव्स ही के बारे में बात हो रही है, जो बेसिक मैंने कहा था एक लेक्चर में बेसिक कॉन्सेप्ट है कैलकुलस का, इट्स द एसेंस ऑफ कैलकुलस बेसिकली। तो इसमें होपफुली सब कुछ काफ़ी हद तक समझ आ चुका है आपको, और अगर कोई प्रॉब्लम्स हो रही हैं तो फिर डेफिनेटली ईमेल के थ्रू बातचीत होगी। इसमें ये याद रखें कि जैसे बेसिक चीज़ें जब तक क्लियर नहीं हो जाती तो ऑब्वियसली आगे चल के प्रॉब्लम्स होती हैं, तो यही स्टेज है यहाँ पे हम डेवलप कर रहे हैं बेसिक आइडियाज़ कैलकुलस के। ज़ाहिर है कुछ थोड़े से प्रॉब्लम्स तो होंगी, मैथमेटिक्स है ज़ाहिर है, लेकिन ये कि अभी से इनको क्लेरिफाई कर लीजिए और अच्छी तरह समझ लीजिए, यानी मेक श्योर यू आस्क द यू नो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस। जहाँ पे कोई प्रॉब्लम है आपको, मेक श्योर यू ईमेल एंड गेट सम यू नो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट, क्योंकि अभी अगर बेसिक्स क्लियर नहीं होंगे तो ज़ाहिर है आगे चल के प्रॉब्लम होगी। और आमतौर पर वैसे मैथमेटिक्स में यही होता है, मेरे साथ भी होता था जब मैं स्टूडेंट था, कि रवानी में हम ये समझते हैं कि ठीक है जी लेक्चर सुन लिया, क्लासरूम में या जैसे हम लेक्चर में बात करते हैं कि जी इंस्ट्रक्टर ने बात की, समझ आ गई, ठीक है समझ आ गई होगी उस वक्त, लेकिन प्रैक्टिस की बात होती है सारी। तो होपफुली आप प्रैक्टिस भी कर रहे हैं होमवर्क असाइनमेंट्स के साथ साथ, और मज़ीद उसमें कोई क्वेश्चंस अगर अराइज करते हैं तो उनको आप जहन में रखते होंगे, और ईमेल ज़रूर कीजिए, कांटेक्ट कीजिए, एंड उसको फिर हम देखेंगे कि कैसे मज़ीद उसको क्लेरिफाई कर सकते हैं, और अभी क्लेरिफाई कर लें ताकि आगे चल के प्रॉब्लम ना हो। तो ये तो आपका जनाब हो गया इंट्रोडक्शन आज के इस लेक्चर की, थोड़ी सी जो प्रिलिमिनरी होती है, अब इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। अच्छा जी, तो अब आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। आज के लेक्चर का टॉपिक है जनाब चेन रूल, और चेन रूल क्या चीज़ होती है? चेन रूल एक रूल है ऑब्वियसली, लेकिन किस हवाले से है? डेरिवेटिव्स के हवाले से है, और इसमें बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि अगर आपके पास फंक्शंस दिए हुए हैं, यानी अभी तक हमने जितनी भी बात की है डिफरेंशिएशन की या फाइंडिंग द डेरिवेटिव्स की, जैसे बात की थी हमने, तो उसमें हमने ये देखा कि सब कुछ जो किया था वो हमने एक फंक्शंस के कॉन्टेक्स्ट में किया था, यानी जितनी भी बातें हुई वो फंक्शंस उसमें आपके पास थे, और उन पे आपने कोई एक एक तरह से हमने देखा कि एक ऑपरेटर के तौर पे हमने डेरिवेटिव को व्यू किया, तो फंक्शन पे हमने ऑपरेटर अप्लाई किया और एक नया फंक्शन आया जिसको हम डेरिवेटिव फंक्शन कहते थे। तो अब ये इस तरह की यानी हम बातचीत को मज़ीद डेवलप करेंगे, और उसमें मकसद सिर्फ ये है कहने का कि फंक्शंस कुछ बेसिक तरह के होते हैं जो हम देख चुके हैं पहले, काफ़ी पहले जब हमने बेसिक कैलकुलस से पहले की जो बातें की थी उसमें हमने देखा था कि जी फंक्शंस डिफाइन किए थे, फिर हमने एक कॉम्पोजिशन का आइडिया दिया था कि फंक्शंस को कंपोज भी कर सकते हैं टू गेट अ न्यू फंक्शन। यानी आपके पास अगर दो फंक्शंस दिए हुए हैं, एक हमने ऑपरेशन डिफाइन की थी फंक्शंस के ऊपर, जिससे ये होता था कि आप जब वो ऑपरेशन अप्लाई करते थे दो फंक्शंस पे तो एक नया फंक्शन रिजल्ट करता था। जैसे हम दो नंबर्स ले लेते हैं, टू रियल नंबर्स, उनको ऐड करें तो एक नया नंबर आ जाता है। सिमिलरली एक ये कॉम्पोजिशन हमने डिफाइन की थी। अब ये यहाँ पे चेन रूल का मकसद ये है कि ठीक है जी आपके पास दो फंक्शंस दिए हुए हैं, उनको आप कंपोज कर लें, एक नया फंक्शन आ जाता है। इस फंक्शन का डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? यानी अभी तक तो हमने जो डेरिवेटिव्स मालूम किए थे पिछले लेक्चर्स में वो बेसिक किस्म के कुछ वो थे फंक्शन, जिसमें पावर फंक्शन था तो हमने एक पावर रूल बनाया था, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस देखे थे, उनके कुछ रूल्स थे, कुछ फॉर्मूले बल्कि उसमें थे इन्वॉल्व, जो हमने प्रूव भी किए थे जाहिर है। तो अब ये है कि यहाँ पे अगर आपके पास एक कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन आ जाता है जिसमें कोई फंक्शंस है, मिसाल के तौर पे एफ ऑफ एक्स कह लीजिए है एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स जो है वो है वन ओवर एक्स, और आप कहते हैं कि जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करें, यानी एफ कंपोज्ड विद जी ऑफ एक्स। ये आपको थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, पिछले लेक्चर बहुत शुरू के लेक्चर्स में हमने ये बात की थी कि कंपोज कैसे करते हैं, आई एम श्योर आपको याद होगा। तो अब ये एफ और जी को अगर मैं कंपोज करूंगा तो मेरे पास एक फंक्शन, नया फंक्शन जो आएगा वो होगा एफ ऑफ एक्स था स्क्वेयरिंग फंक्शन एक्स स्क्वेयर, जी ऑफ एक्स जो था वो रेसिप्रोकल फंक्शन था वन ओवर एक्स। एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है तो ये देखना है कि एफ ऑफ एक्स में जहाँ पे भी एक्स लिखे वहाँ पे फंक्शन जी ऑफ एक्स डाल दीजिए आप, तो बेसिकली आपके पास फंक्शन आएगा वन ओवर क्वांटिटी क्वांटिटी वन ओवर एक्स स्क्वेयर्ड, तो ये आपका नया फंक्शन आ जाएगा। इसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करेंगे? तो इस तरह के कुछ सवाल आते हैं जो इसमें हम लेक्चर में एंटरटेन करेंगे। तो आइए स्क्रीन पर थोड़ा सा मैं इसको देख लेते हैं कि आज का एजेंडा क्या है। लेट्स गो टू द स्क्रीन। आज का टॉपिक है जनाब चेन रूल,
और आज क्या क्या बातें करनी है। सबसे पहली बात तो ये कि जी कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस अगर आपके पास है तो उसका डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं, इसी को बल्कि इसी प्रोसेस को हम कहते हैं चेन रूल। इसके बाद हम ये देखेंगे कि शुरू में जब एक बेसिक सा आइडिया डिफाइन कर देंगे चेन रूल का, उसके बाद आप इसको जनरलाइज करेंगे। सो बेसिकली वील ट्राई टू गेट ए जनरलाइज डेरिवेटिव फार्मूला। इसके बाद फिर हम कुछ और डिटेल में देखेंगे, यानी कह लीजिए मोर जनरलाइज्ड डेरिवेटिव फार्मूला एक तरह से कह सकते हैं, यानी उस जो डेरिवेटिव फार्मूला आपने डिराइव करेंगे आगे चल के हम उसको मजीद जनरलाइज कर देंगे। और उसके बाद एक एक अप्रोच और देखेंगे टू यूजिंग द चेन रूल। तो यानी ये सारी चीज़ें जिसमें बेसिक आइडिया ये है कि चेन रूल एक जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक वो है डिफ्रेंसिएशन में एक रूल है, इसको हम इस्तेमाल करेंगे और इसको देखेंगे कि इसे कितने तरीक़ों से देखा जा सकता है। सो कई जावियों से देख सकते हैं, इस तरह भी कह सकते हैं। और यहाँ पे मैं कहता चलूँ कि अगेन हर टॉपिक में हमने जो अभी तक देखा उसमें मैंने कई लेक्चर्स ऐसे आए थे जहाँ पे कहा था कि जी ये बहुत असेंशियल लेक्चर है, इसको ज़रूर और से सुनिए। सारे लेक्चर असेंशियल होते हैं लेकिन कुछ बहुत ज़्यादा होते हैं। इसी तरह से ये वाला जो लेक्चर है इसमें जो चेन रूल है, दिस इज़ गोइंग टू बेसिकली गिव यू अ जनरल व्यू ऑफ डिफ्रेंसिएशन, यानी जेनेरिकली आप कैसे फंक्शन को, कोई भी फंक्शन लेके आप उसको कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं या कैसे उसका डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो ये सारा आज की हम बातचीत करेंगे, तो उसको स्टार्ट करते हैं फिर। ऐसे करते हैं, सपोज करते हैं कि जी दो फंक्शन हैं हमारे पास, एफ और जी। एक फंक्शन है y इक्वल्स एफ ऑफ एक्स, एक फंक्शन है y इक्वल्स जी ऑफ एक्स। शॉर्टकट के लिए शॉर्ट फॉर्म में मैं कहूँगा जी फंक्शन f, फंक्शन g, पहले भी कहता आया हूँ। तो इनको अब ऐसा करते हैं कि इनको कंपोज करेंगे और विदाउट लुक इसका हम कोई फार्मूला डिफाइन नहीं करेंगे इनके लिए, ये देखेंगे कि जनरली हम कैसे एक जो इसकी कॉम्पोजिशन लेंगे उसको जनरली कैसे हम उसका डेरिवेटिव मालूम कर सकते हैं। तो मकसद ये है कि अब ये मेरे पास दो फंक्शन आ गए हैं एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, इनको मैं कंपोज करता हूँ तो मेरे पास रिजल्ट आएगा एफ, वो जो एक सर्कल नोटेशन हमने देखी थी सर्कल जी ऑफ एक्स, इसको हम इस तरह भी पढ़ सकते हैं और लिख सकते हैं कि जी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। मकसद कहने का ये है कि फंक्शन जो था एफ ऑफ एक्स उसमें जहाँ पे भी एक्स नज़र आए आपको उसमें आप जी ऑफ एक्स फंक्शन जो है वो इनपुट कर दें। तो उसमें ज़ाहिर है हमारे पास तो फार्मूले नहीं है, हम जेनेरिकली देखेंगे क्या होता है। फिर हम देखेंगे कि अगर इस पर हम डेरिवेटिव ऑपरेटर अप्लाई करें या इसका डेरिवेटिव मालूम करें या डिफ्रेंशिएट करें इस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस को, तो क्या इसका रिजल्ट आएगा, कैसे करेंगे। तो स्क्रीन पे देख लेते हैं इसका थोड़ा सा। यहाँ पे देखिए कि सबसे पहले तो हमारे पास ये है कि जी दो फंक्शन थे एफ एंड जी, इसको हमने कंपोज किया एफ सर्कल जी क्वान्टिटी के तौर पर लिख लीजिए ऑफ एक्स। इसको हम बेसिकली आइडिया होता है कि एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। और अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करना चाहेंगे तो इसको कैसे करेंगे, क्या इसका प्रोसेस होगा। तो इसके में देखिए कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वाई इक्वल्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो इसमें एक सब्सटीट्यूशन मैं इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ टू मेक लाइफ अ लिटिल बिट ईजियर फॉर कॉम्पिटेशन सेक। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि लेट यू इक्वल्स जी ऑफ एक्स। यू इक्वल्स जी ऑफ एक्स का क्या मतलब है, सिंपल सी एक सब्सटीट्यूशन है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिर्फ कहने का मकसद ये है कि जहाँ पे मैं एफ ऑफ जी ऑफ एक्स बार बार लिख रहा था वहाँ पे जी ऑफ एक्स की जगह मैं एक सब्सटीट्यूशन कर रहा हूँ वैल्यू की, यानी जी ऑफ एक्स जो फंक्शन है उसको मैं यू का नाम दे रहा हूँ। इससे ये होगा कि कंप्यूटेशन जो हम करेंगे आगे चल के वो आसान हो जाएंगी। तो यानी अब आपके पास जो था एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इट्स बेसिकली नाउ टर्न इन टू एफ ऑफ यू, यानी अब आपके पास एक नया फंक्शन आ गया विच इज इन विच द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज यू। यानी ओरिजिनली तो ये था कॉन्सेप्ट कि एक फंक्शन है आपका इंडिपेंडेंट वेरिएबल, अब आपने उसको एक नया शॉर्टकट एक शॉर्ट फॉर्म में लिखने के लिए आपने कहा कि उसको हम वेरिएबल का नाम देते हैं यू, और अब एक फंक्शन आपका नया बन गया जिसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल यू है। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल। अब ये देखिए कि ये जाहिर है वाई इक्वल्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स जो है ये एफ ऑफ यू बन गया है। एंड वॉट डू वी वॉन्ट टू डू, वी वॉन्ट टू बेसिकली यूज द नोन थिंग्स दैट वी हैव जो अभी तक हमने लिखी हैं और उनको इस्तेमाल करते हुए, या जो और लिखी जो हैं और बल्कि जो हम जानते हैं डेरिवेटिव्स के बारे में उनको इस्तेमाल करते हुए हम मालूम करना चाहेंगे डी वाई ओवर डी यू विच इज ऑब्वियसली गोइंग टू इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू। एंड ऑल्सो वी वुड लाइक टू नो वॉट डी यू ओवर डी एक्स इज विच इज गोइंग टू ऑफ कोर्स इक्वल जी प्राइम ऑफ एक्स। अच्छा, ये अब दो नई क्वांटिटीज आपके सामने स्क्रीन पे आई थी, ये क्या हैं? मतलब ये कि जब हमने कहा हमें मालूम करना है डी वाई ओवर डी यू, तो यहाँ पे ये देखें कि अब एक्स थोड़ी देर के लिए गायब हो चुका है। अब ये डी वाई ओवर डी यू क्या है, ये बेसिकली डेरिवेटिव है एफ ऑफ यू फंक्शन का, जो हमने बेसिकली दिस एफ ऑफ यू इज अ कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस
और सिर्फ मैंने ये किया है कि जी ऑफ एक्स को नई वैल्यू दे दी है यू की, तो अब बेसिकली मेरे पास एक नया फंक्शन आ गया है इन टर्म्स ऑफ अ न्यू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अब मैं उसका डेरिवेटिव मालूम करना चाहता हूँ ऑब्वियसली विद रिस्पेक्ट टू द इंडिपेंडेंट वेरिएबल। हमने डेरिवेटिव्स अभी तक इसी तरह मालूम किए कि एक फंक्शन जो होता है उसमें एक डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, आमतौर पर वाई और एक्स होते हैं। यहाँ पर हमने एक्स की जगह यू को हमने लिया है एज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और अब उसका डी वाई बाय ओवर डी यू मालूम करना है, तो ऑब्वियसली दैट्स इक्वल टू एफ प्राइम ऑफ यू। नोटेशन की बात है, वही बात हो जाती है, लेकिन ये भी नोट कीजिए कि चूंकि u इक्वल्स जी ऑफ एक्स था, ये हमने डिफाइन किया था थोड़ी देर पहले स्क्रीन पे, आपने देखा u इक्वल्स जी ऑफ एक्स, तो यहाँ पे मैं du यू ओवर डी एक्स मालूम कर सकता हूँ। u इक्वल्स जी ऑफ एक्स जो है ये भी एक तरह का नया फंक्शन बन चुका है, राइट। यहाँ पे u इंडिपेंडेंट वेरिएबल भी है लेकिन u इक्वल्स जी ऑफ एक्स जो है वो एक फंक्शन भी है, राइट। यानी u इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल है और जो आपका जी एक्स जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, तो एक तरह की कॉम्पोजिशन वाली बात आ रही है कि पहले फंक्शन में जिसमें एफ ऑफ यू है आपके पास, उसमें यू जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और जो नेक्स्ट फंक्शन है जो हमने यू इक्वल्स जी ऑफ एक्स डिफाइन किया, उसमें यू जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। लिहाजा नेक्स्ट फंक्शन में जो हमने डिफिनेशन की थी उसकी, उसमें डी यू ओवर डी एक्स मालूम करना हम चाहेंगे, विच विल इक्वल जी प्राइम ऑफ यू। सो लेट्स कंटिन्यू विद दिस, सी हाउ दिस वर्क्स आउट। तो हम इसको कैसे करेंगे, हम ये अभी तक जो हमने लिखी है इक्वेशन, इसको थोड़ा सा फॉर्मलाइज करते हैं। यानी प्रिलिमिनरी सा आइडिया मेरे ख्याल से आपको हो गया होगा कि हम करना क्या चाह रहे हैं। हम एक तरह की कॉम्पोजिशन फंक्शंस की दी हुई थी एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, इसका डेरिवेटिव फार्मूला मालूम करना है कोई। तो अभी तक हमने देखा कि इसके अंदर दो क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं, डी वाई बाई डी यू एंड डी यू बाई डी एक्स। तो हम इसका फाइनल आंसर क्या होगा, यानी वॉट वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट इज वॉट इज डी वाई बाई डी एक्स। यानी वाई आपको याद है हमने क्या सब्स्टिट्यूशन की थी, वाई वॉज इक्वल टू एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, तो वो कॉम्पोजिशन थी फंक्शन की। तो जाहिर है हम इंटरेस्टेड हैं इन फाइंडिंग आउट डी वाई ओवर डी एक्स। तो इसको स्क्रीन पे लिख देते हैं इस एक थ्योरम की फॉर्म में, फिर उसके बारे में बात करेंगे। लेट्स गो टू द स्क्रीन, देख लीजिए यहाँ पे लिख भी दिया है मैंने कि वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग आउट डी वाई ओवर डी एक्स, विच इज ऑब्वियसली इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। कैसे मालूम करेंगे, हियर इट इज, इट्स अ थ्योरम, इसको चेन रूल का थ्योरम कह सकते हैं। इफ जी इज ए डिफरेंशिएबल, इफ जी इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट एक्स एंड द फंक्शन एफ इज डिफरेंशिएबल एट द पॉइंट जी, जी ऑफ एक्स, यानी जो जी ऑफ एक्स भी जाहिर है जब एक्स की वैल्यू डालेंगे तो एक पॉइंट ही बन जाएगा, एक न्यूमेरिक वैल्यू आएगी इवेंचुअली इसकी। तो हम जी ऑफ एक्स फंक्शन भी है इसको पॉइंट के तौर पर ले रहे हैं फॉर एज इनपुट फॉर द फंक्शन एफ, देन द कॉम्पोजिशन एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स is going to be differentiable at the point x, and moreover if y equals f of g of x and u equals g of x, then y equals f of u, zahir si baat hai, substitutions ki baat hai basically, and the formula for finding dy over dx which we want to find is going to equal dy over du multiplied by du over dx. To ye janab aapka theorem ho gaya, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगता है लेकिन इतना मुश्किल नहीं है। अगर अभी तक आप और से सुन रहे थे तो आई थिंक इट्स प्रॉब्ली क्लियर कि हम कैसे करेंगे इसको। सिंपल सी बात है कि जब सब्स्टिट्यूशन की हमने सिंप्लीफाई करने के लिए, तो उसमें दो क्वांटिटीज आई थी, एक आई थी आपके पास डी यू ओवर डी एक्स और एक आई थी डी एक्स ओवर आई एम सॉरी एक आई थी डी एक्स ओवर डी यू और उसके अलावा एक आई थी डी वाई बाय डी यू। तो इनका दोनों का प्रोडक्ट आप लेंगे तो आपके पास रिजल्ट आ जाएगा dy dx। यानी एक तरह से अगर आप सोचें इंट्यूटिवली स्पीकिंग, आप कह रहे हैं कि जी आप कैंसिलेशन करना चाह रहे हैं अलॉन्ग द डायगनल, जो अभी हमने इक्वेशन देखी थ्योरम में फॉर dy by dx, तो वही प्रोसेस है। उसी तरह से इंट्यूटिवली स्पीकिंग वो बात होती है, लेकिन दैट्स नॉट द केस एग्जैक्टली। ये सिर्फ एक निमोनिक डिवाइस है कि अगर आप सोचना चाहें कि जी कॉम्पोजिशन का डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं, ऐसे मालूम करते हैं कि आप डायगनल में जो डी एक्सेज हैं डी यूज हैं उनको कैंसिल कर दें और आपके पास रिजल्ट आ जाता है dy by dx। तो एक एग्जांपल करते हैं इसकी एंड इट विल मेक द पॉइंट मोर क्लियरर, थ्योरम भी थोड़ा क्लियर हो जाएगा। लेट्स गो टू द स्क्रीन एंड लुक एट दैट एग्जांपल है जनाब, आपके पास फंक्शन दिया है y equals 4 cosine of x cubed और dy by dx मालूम करना है। तो यहाँ पे भी वही बात है कि जी यहाँ पे सबसे पहली बात तो ये रिकग्नाइज करने की है कि जो फंक्शन है y equals 4 times cosine of x cubed, this is a composition of two functions. कौन से functions हैं? एक function है y equals cosine x और एक function है y equals x cube. यानी इसमें दो functions हैं, इनका composition आप लेंगे। या अगर f और g के बारे में बात करनी है तो उसको screen पर identify कर लेते हैं। Let's look at this further.
नोट कीजिए कि अगर मैं यहाँ पे जी ऑफ एक्स को कह दूँ एक्स क्यूब और एफ ऑफ एक्स को कह दूँ 4 कोसाइन एक्स, तो यहाँ पे मेरे पास सब्स्टिट्यूशन एक बन सकती है, यानी मैं कंपोज करूँगा एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स को, तो आई विल गेट द ओरिजिनल फंक्शन। यहाँ पे वही बात है कि यू को मुझे कहीं से लाना है इसमें, तो जी ऑफ एक्स जो था वो एक्स क्यूब की बराबर था, तो यहाँ पे देखिए कि आई गेट यू इक्वल्स एक्स क्यूब, सो दैट माई फंक्शन बिकम्स ओरिजिनल फंक्शन बिकम्स वाई इक्वल्स 4 टाइम्स कोसाइन ऑफ यू। तो अब इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन सिर्फ मैंने इसलिए किए क्योंकि कोसाइन एक्स का ड्रिवेटिव तो मुझे मालूम है, ये हमने जब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ड्रिवेटिव्स की बात की थी तब हमने देखा था कि इसका हम बड़े आसानी से मालूम कर सकते हैं, प्रूफ भी किया था, ड्रिवेटिव केम आउट टू बी माइनस साइन एक्स। प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे आपके पास एक्स के ऊपर पावर 3 है, तो उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करें अपने ड्रिवेटिव के अंदर, तो उसके लिए हम ये देखते हैं कि ये रिकगनाइज करते हैं कि ये जो आपके पास फार्मूला आया था फंक्शन का इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में, ये कॉम्पोजिशन है दो फंक्शंस की, और फिर हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं चेन रूल टू गेट द ड्रिवेटिव ऑफ दिस फंक्शन। तो इसको अब हमने सब्स्टिट्यूशन यही किए कि u को हमने कहा है कि x क्यूब है, तो हमारे पास फंक्शन सिंप्लीफाई होकर बन गया 4 टाइम्स कोसाइन u। कोसाइन u को अगर आप u को एक तरह से इंडिपेंडेंट वेरिएबल ले रहे हैं फिलहाल, तो जाहिर है इट्स द सेम थिंग, इट लुक्स लाइक कोसाइन x, जिसको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, और फिर बाद में हम u को देखेंगे कि इसका एक एक्चुअली कोई इक्वेजन है u इक्वल्स x क्यूब, x क्यूब का भी हमें डेरिवेटिव मालूम करना आता है, उसको फिर हम बाद में डिफरेंशिएट कर लेंगे टू गेट डिवाइड बाय dx यूजिंग द चेन रूल। तो इसी कैलकुलेशन कंप्लीट करते हैं, लेट्स गो टू द स्क्रीन। बेसिकली हमें मालूम करना है dy बाय dx, तो नोट कीजिए बाय द चेन रूल आई विल गेट dy ओवर dx इक्वल्स dy ओवर du टाइम्स du ओवर dx। तो dy बाय du क्या था, वेल y equals 4 times cosine of u, इसका मैं different derivative मालूम करना चाह रहा हूँ with respect to u, so I get d over du of 4 times cosine u, and then I have that equation multiplied by that quantity multiplied by du by dx, तो u जो है वो x cube है, तो लिहाजा I get d over dx of x cube। ये आपकी chain rule से, chain rule के अंदर मैंने जो formula था उसके अंदर values डाल दी हैं functions की, अब इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो कर लेते हैं मेरे ख्याल से, बजाय आपके ऊपर मैं छोड़ूं, देर आर मोर टफर थिंग्स दैट आई लीव अप टू यू टू सॉल्व आफ्टरवर्ड्स, लेकिन इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए कि डी ओवर डी यू ऑफ 4 टाइम्स कोसाइन यू जो है वो जनाब आपका बनेगा -4 टाइम्स साइन यू, जाहिर है कोसाइन यू का डेरिवेटिव जो होगा वो कोसाइन एक्स की तरह, माइनस साइन एक्स जैसे होता है कोसाइन एक्स का, यहाँ पे एक्स की जगह यू इस्तेमाल कर रहे हैं, तो आई गेट नेगेटिव साइन यू, 4 वैसे ही इसके अंदर इन्वॉल्व है, डेरिवेटिव उस पर अप्लाई नहीं होता, तो आई गेट -4 टाइम्स साइन यू मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ एक्स क्यूब, वो क्या है, वो है 3x स्क्वायर। तो सिंप्लीफाई करेंगे इसको थोड़ा सा फर्दर, यानी कि ये जो u है इसको अब हम x में लाना चाहते हैं, क्योंकि हम मालूम यही करना चाह रहे हैं कि डेरिवेटिव ऑफ द ओरिजिनल फंक्शन y विद रिस्पेक्ट टू x क्या है, तो u इसमें आखिर में जब आपका जवाब आए उसमें x होने चाहिए, u's कहीं नहीं होने चाहिए। तो जहाँ पे साइन यू लिखा था वहाँ पे आप इसकी वैल्यू डाल दीजिए, u को हमने सब्सिट्यूट किया था एज एक्स क्यूब, सो वी गेट -4 टाइम्स साइन ऑफ एक्स क्यूब्ड टाइम्स 3x स्क्वायर, सिंप्लीफाई कर लीजिए फाइनल रिजल्ट आता है -12x स्क्वायर टाइम्स साइन ऑफ एक्स क्यूब। अच्छा जी, तो ये आपकी एग्जांपल कंप्लीट हो गई, तो यहाँ पे आई थिंक होपफुली आपको कुछ क्लियरिफाई हुआ होगा कि वॉट इज एग्जैक्टली हैपनिंग। ये जो डेरिवेटिव मालूम करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का, इस तरह से किया जाता है, बेसिक फार्मूला जो है चेन रूल जो है वो ये है कि आपके पास अगर कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस है तो उसमें आप एक एक्स्ट्रा वेरिएबल डाल देते हैं, जो इनर फंक्शन जिसे हम कहते हैं, जो जिसको आप इनपुट के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं दूसरे फंक्शन के लिए, तो आउटर फंक्शन जिसे कहते हैं, तो उसकी उसको आप एक नया नाम दे देते हैं वेरिएबल का यू कह के, और फिर उसके बाद वही सारा प्रोसेस इन्वॉल्व है जो अभी हमने देखा फार्मूला, वो तरीका होता है उस कॉम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस का डेरिवेटिव मालूम करने का। इसके बारे में थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, बट आई लीव इट अप टू यू टू डू दैट। हम आगे चलते हैं, तो यहाँ पे एक बात ये कहता चलूँ कि ये जो फार्मूला है इसको अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि इतना मुश्किल नहीं है, बल्कि इसका एक और शॉर्टकट भी तरीका हम मालूम कर सकते हैं फॉर राइटिंग डाउन द चेन रूल, उसको याद करना भी आसान होता है, लेकिन इस फार्मूला को याद करना भी इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि फार्मूला क्या था, यही था कि dy ओवर dx इक्वल्स dy ओवर du टाइम्स du ओवर dx। तो मैंने थोड़ी देर पहले भी कहा था कि इसको आप एक तरह से इमेजिन करें कि जो डायगनल में यूज बन रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, एक तरह से सोचें कि डी यूज जो है वो कैंसिल हो जाते हैं, तो उसके बाद कैंसिल होंगे तो क्या रिजल्ट आता है, रिजल्ट जाहिर है dy ओवर dx आएगा, लेकिन असल में होता ये नहीं है,
ये सिर्फ एक निमोनिक डिवाइस है याद करने के लिए. तो इफ़ यू वॉन्ट टू रिमेंबर द चेन रूल, दैट्स अ गुड वे टू रिमेंबर इट. लेकिन कैंसिल ये याद रखें कि यू नॉट एक्चुअली कैंसलिंग द डी यूज, क्योंकि वो तो ऑपरेटर्स हैं, लेकिन वी कैन थिंक ऑफ इट लाइक दैट. तो विद दैट कैवियट हम आगे चलते हैं. अच्छा जी, तो अब बात करते हैं जनरलाइज्ड चेन रूल, यानी जो डेरिवेटिव हमने फार्मूला मालूम किया फॉर द डेरिवेटिव ऑफ द कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस. तो इसमें अब जनरलाइजेशन थोड़ी सी करते हैं. तो वही बात है कि चेन रूल तो हमें पता चल गया, हम अभी लिख लेंगे फिर से स्क्रीन पे. उसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, उसके अंदर आपके पास कुछ क्वांटिटीज़ हैं, तीन क्वांटिटीज़ बेसिकली, डी वाई ओवर डी एक्स और उसके अलावा डी वाई ओवर डी यू, फिर डी यू ओवर डी एक्स. तो इसमें यह है कि याद करना गो के आसान है. निमोनिक एक डिवाइस अभी आपको मैंने बताई कि आप उसको कैंसिलेशन के तौर पर सोचें अगर, तो इट्स ईजी टू रिमेंबर, लेकिन इट्स कम्बरसम टू अप्लाई बेसिकली, यानी बहुत सारी चीज़ें लिखनी पड़ती हैं. तो कोई और शॉर्टकट एलिगेंट वे है इसको लिखने की? यकीनन है. तो इसको थोड़ी देर के लिए स्क्रीन पे देख लेते हैं. चेन रूल सबसे पहले तो लिख लें अगर, तो वही है जनाब आपके सामने कि डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल्स डी वाई ओवर डी यू टाइम्स डी यू ओवर डी एक्स. अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि ये जो वाई इक्वल्स एफ ऑफ यू कर लें अगर, ठीक है जी, और इसमें देखिए कि अगर इसको डिफ्रेंशिएट करें हम, तो हमारे पास ये विद रिस्पेक्ट टू यू, यानी वी वॉन्ट टू डिफ्रेंशिएट द फंक्शन वाई इक्वल्स एफ ऑफ यू विद रिस्पेक्ट टू यू ऑफ कोर्स, बिकॉज यू इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल. सो आई विल गेट डी वाई ओवर डी यू इक्वल्स एफ प्राइम ऑफ यू. ये तो खैर बेसिक सा फार्मूला है, जाहिर है. तो क्या मकसद है इसको इंट्रोड्यूस करने का, इस नोटेशन को, यानी वाई इक्वल्स एफ ऑफ यू कहाँ से आया, अभी देखते हैं कहाँ से आया और क्यों हम इस्तेमाल कर रहे हैं इसको. अब लेकिन अभी तक ये याद रखें कि y इक्वल्स एफ ऑफ यू को अगर डिफ्रेंशिएट करें, तो नोटेशन वाइज इट सिंपली द सेम थिंग एज डी वाई ओवर डी यू इक्वल्स एफ प्राइम यू. ये तो सिर्फ नोटेशन हमने बहुत पहले देखी थी, दैट्स ऑल आई हैव रिटन डाउन. सिंपल सी बात है, ये है कि नोटेशन अगर कॉम्पैक्ट हो तो थिंकिंग भी थोड़ी सी क्लियर हो जाती है, वही हम करना चाह रहे हैं. सो लेट्स फर्दर कंटिन्यू विद दिस एग्जाम्पल. अब यहाँ पे देखें कि इस इक्वेशन को यूज करते हुए मैं चेन रूल को थोड़ा सा मॉडिफाई कर सकता हूँ. चेन रूल था जनाब, उसमें देखें सबसे पहले तो ये कि डी वाई ओवर डी यू जो है वो बराबर था एफ प्राइम ऑफ यू के. वेल, एफ प्राइम यू इज ऑल्सो इक्वल टू डी ओवर डी एक्स ऑफ द क्वांटिटी एफ ऑफ यू. दिस इज बेसिकली प्लेइंग अराउंड विद द नोटेशन, यानी इसमें कोई नई बात नहीं है, नोटेशन हम पहले देख चुके हैं. अब इसको फर्दर अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ तो ये बराबर होगा एफ प्राइम ऑफ यू टाइम्स डी यू ओवर डी एक्स. तो ये f prime of u times du over dx कहाँ से आया? ये आया चेन रूल से, क्योंकि आपका फंक्शन जो है वो u की टर्म में दिया हुआ है, आपको एक्सेस में लाना है. तो आप ये लिखना चाह रहे हैं कि जाहिर सी बात है कि du over dx जो है वो इसमें मल्टीप्लाई करेगा f prime of u को, ताकि आपके पास चेन रूल की जो वो है रिक्वायरमेंट्स वो फुलफिल हो जाएं. तो अब चेन रूल का जो वो है पूरा लंबा सा एक थोड़ा सा फॉर्मूला था जिसमें डी रेशियो सी बनी हुई थी, वो अब ख़त्म हो गई हैं, कम हो गई हैं, और एक ये तो एक तरह का जनरलाइज चेन रूल आ गया है. इसको अब हम इस्तेमाल करेंगे, फर्दर डिवेलप करेंगे. इसको स्क्रीन पर फिर से देखते हैं, इसको लेबल भी कर देते हैं बिकॉज वील यूज़ इट अगेन. यही बात थी कि डी वाई ओवर डी एक्स जो है वो बराबर था डी वाई ओवर डी यू टाइम्स डी यू ओवर डी एक्स. तो डी वाई ओवर डी यू जो है वो ऑब्वियसली आपका है, क्योंकि y इक्वल्स एफ ऑफ यू था, तो डी ओवर डी यू ऑफ एफ ऑफ यू जो है वो बराबर होता है f प्राइम ऑफ u के. और डी यू ओवर डी एक्स जो यहाँ पे फॉर्मूले में आपको दिख रहा है, दैट्स जस्ट पार्ट ऑफ द चेन रूल. इसको हम लेबल करते हैं एज इक्वेशन a. इसको हम आगे इस्तेमाल करेंगे. ये याद रखें कि ये फार्मूला जो है इट्स अ वेरी पावरफुल फार्मूला, सिंप्लीफाइज लाइफ ट्रेमेंडसली. तो आगे चल के इसी को हम बेसिकली आदत बना लेंगे कि ये चीज़ हम इस्तेमाल करें. और आगे चल के ये होता है कि इसी ये जो बेसिक रूल्स अब हम देख रहे हैं, आगे चल के दे विल बिकम सेकंड नेचर. तो उसमें याद करने की जरूरत भी नहीं होगी. आइए एक एग्जांपल करते हैं इस वाले फॉर्मूले को इस्तेमाल करते हुए. ये देखिए कि एग्जाम्पल है, फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस वन टू द पावर 23. तो अब इसको, इस फंक्शन को मैं डिफ्रेंशिएट करना चाह रहा हूँ. इसमें प्रॉब्लम ये है कि अंदर वाला फंक्शन एक पोलिनोमियल है और उसकी पावर ली है 23. तो जाहिर है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस है इसमें, राइट? इट्स नॉट अ सिंपल फंक्शन, इट्स अ पावर फंक्शन, बट इट्स अ कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. आपके लिए ऊपर मैं छोड़ता हूँ कि कौन से फंक्शन हैं आप डिस्टिंग्विश कर सकते हैं. मैं इसको कंटिन्यू करता हूँ इस एग्जाम्पल को. आइए स्क्रीन पर चलते हैं. देखिए कि यहाँ पे मुझे चेन रूल इस्तेमाल करना है टू फाइंड द डेरिवेटिव, यानी जो फंक्शन था y इक्वल्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन टू द पावर 23, इसको मुझे डिफ्रेंशिएट करना है. तो इसमें एक सब्सटीट्यूशन मैं पहले करूँगा कि u क्या होना चाहिए. u जो है वो मैं इनसाइड वाली क्वांटिटी जो है उसको यूज़ करूँगा. सो आई विल से u इक्वल्स
x square minus x plus 1. So the function jo original tha f of x, wo ab ban jayega janab f of u equals u to the power 23. Hopefully ye clear hai ki kyun aisa hoga, kyunki jo f of x tha wo tha x square minus x plus 1 to the power 23. अब आपने u को वो सारी इनसाइड वाली चीज़ कर दी है, तो जहाँ पे भी x नज़र आएगा वो अब वो जो पूरी क्वांटिटी है वो u बन गई है. तो अब जो नया फंक्शन आएगा इसको अब हम कह रहे हैं f of u, इट्स जस्ट u टू द पावर 23. अब देखते हैं चेन रूल इस्तेमाल करके हम डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं. डेरिवेटिव हमें यही मालूम करना है कि f प्राइम ऑफ u क्या है. सो लेट्स कंटिन्यू. चेन रूल अगर अप्लाई करें यहाँ पे, जो अभी हमने नया फार्मूला यूज़ किया था इक्वेशन a जिसको हमने कहा था, तो हमारे पास रिजल्ट आता है d ओवर dx of x square minus x plus 1 to the power 23 equals d over dx of u to the power 23, यानी कॉम्पैक्ट फॉर्म आ गई इसकी. लेकिन यहाँ पे देखें कि d over dx of u to the power 23 क्या होगा. बेसिकली इट्स द डेरिवेटिव ऑफ u to the power 3 विच इज 23 टाइम्स u to the power 22, लेकिन मल्टीप्लाइड बाय द डेरिवेटिव ऑफ u विद रिस्पेक्ट टू x. तो यहाँ पे बेसिकली कॉन्सेप्ट ये है कि जब मैंने कहा d ओवर dx ऑफ u टू द पावर 23, तो प्रॉब्लम ये है यहाँ पे, अब क्लियर हो गया होगा आपको कि आप डेरिवेटिव मालूम कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन फंक्शन जो है वो u की टर्म्स में. तो प्रॉब्लम ये है सारी कि इसको इनकॉर्पोरेट, हाउ डू यू डील विद दिस, हाउ डू यू बेसिकली मेक योर इक्वेशंस वर्क व्हेन यू फाइंड द डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वन वेरिएबल बट योर फंक्शन इज डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ अ डिफरेंट वेरिएबल. तो वहाँ पे आपको एक एक्स्ट्रा इस तरह से सोच लीजिए कि आप आम जैसे डेरिवेटिव मालूम करेंगे u टू द पावर 23 का विद रिस्पेक्ट टू u, उसी तरह से मालूम कर लीजिए, लेकिन टू इनकॉर्पोरेट द आइडिया दी सच स्लाइड प्रॉब्लम के जी आप डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू अ डिफरेंट वेरिएबल, आप आखिर में जो रिजल्ट आता है उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं विद द डेरिवेटिव ऑफ दैट वेरिएबल, दैट फंक्शन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ दैट डिफरेंट वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू x, यानी जो बेसिक हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हम ट्रीट करना चाहते हैं. तो वो उस तरह से इसको सोचा जा सकता है. अब इसको कंप्लीट कर लेते हैं. ये 23 टाइम्स u टू द पावर 22 टाइम्स du ओवर dx आया था आपके पास. अब यहाँ पे देखिए कि u क्या था, हमें पता है u वाज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1. यहाँ पे वापस वैल्यू डाल दीजिए इसकी, तो सो यू गेट बेसिकली 23 टाइम्स x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 टू द पावर 22. अब यहाँ पे लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको मल्टीप्लाई करना है इसको विद द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ द क्वांटिटी u, और u क्या है, x square minus x plus 1. तो यहाँ पे देख लीजिए कि वो जो u extra आ गया था वो आहिस्ता आहिस्ता गायब हो रहा है, और सब equations जो हैं वो logically they're falling into place. तो आपकी जो du over dx है वहाँ पे u गायब हो जाएगा, और आप you'll end up with basically differentiating a function which is in terms of x with respect to x. That is the point. तो ये last step इसका कर लेते हैं calculation का. यहाँ पे अब देख लीजिए कि पहला पार्ट तो एज इट इज 23 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 टू द पावर 23, लेकिन डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 क्या है, नोट कीजिए ये सिंपल फंक्शंस हैं, पावर फंक्शंस हैं, इनको आप डेरिवेटिव ऑपरेटर डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ओवर द सम एंड द डिफरेंस. तो बेसिकली जब आप करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2x माइनस 1. ये था जनाब आपकी एग्जाम्पल यूजिंग द न्यू चेन रूल कह लीजिए, जो सिंप्लीफाइड वर्जन है चेन रूल का. तो ये काफ़ी सिंपल हो जाता है इससे, इसमें वो डी वाई ओवर डी एक्स और डी यू ओवर डी एक्स वाली नोटेशन ख़त्म हो जाती है, और आइडिया भी आहिस्ता आहिस्ता इसमें आप देखेंगे कि सिंपलीफाई हो जाता है. तो ये आपकी एग्जांपल हो गई, अब हम आगे चलते हैं. अच्छा जी, तो इसमें फिर वही बात है कि एक मैं फिर से कहता चलूं कि चेन रूल में याद रखें कि प्रॉब्लम सारी ये हो रही है जब कॉम्पोजिशन की बात हमने की फंक्शंस की, तो उनको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं, उनका डेरिवेटिव कैसे मालूम करते हैं. तो उस प्रोसेस में हमने देखा कि हम एक्स्ट्रा एक वेरिएबल डालते हैं यू, कुछ भी हो सकता है, हम उसको यू कह रहे हैं. तो उसमें यह है कि जब आप ये नया वाला जो फॉर्मूला हमने सिंप्लीफाइड वर्जन देखा इसका चेन रूल का, उसमें एक स्टेप ऐसा आता है जहाँ पे आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं एक फंक्शन को, जिसमें आप एक ऐसे वेरिएबल की रिस्पेक्ट में कर रहे होते हैं डिफरेंशिएट एक ऐसे फंक्शन को जिनका वेरिएबल मैच नहीं करता, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ यू टू द पावर 23 जैसे हमने किया. तो वो एक प्रॉब्लम थी, लेकिन उसका हल ये था कि आप नॉर्मली डिफरेंशिएट करें, ऐसे ही करें जैसे आप x टू द पावर 23 को करेंगे, लेकिन साथ में आप फिर, तो उसके बाद आपने जब किया तो u टू द पावर 23 टाइम्स u टू द पावर 22 आ गया था, लेकिन साथ में आप मल्टीप्लाई कर दें विद द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ ये जो u की वैल्यू थी du ओवर dx बेसिकली, इसमें जो u डिफाइन कर रहा था एक फंक्शन को उसके डेरिवेटिव को मल्टीप्लाई कर दें. दैट्स हाउ यू बेसिकली गेट द चेन रूल टू वर्क. तो अब ये आपका एक हो गया जनरलाइज वर्जन. इसमें एक बात और नोट करने की ये है कि मैं स्क्रीन पे लिखता हूँ, बल्कि इट विल बी ईजियर टू सी.
नोट कीजिए कि पिछले एग्जाम्पल में हमने ये किया था कि d ओवर डी एक्स ऑफ u टू द पावर 23, जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात की, इक्वल्स 23 टाइम्स u टू द पावर 22 टाइम्स du ओवर डी एक्स। अब इसमें ये कीजिए कि यहाँ पे तो हमने, ठीक है ये तो हमने अभी किया था, अगर ऐसा करें कि हम u को x का वैल्यू यहाँ पे दे दें अगर, तो क्या होगा? यानी लेट्स से कि u इक्वल्स x, सो व्हाट हैपेंस टू दिस न्यू, ये जो डिफरेंट डेरिवेटिव मालूम किया था, इसको क्या होता है, इस पर इफेक्ट क्या होता है इसका? लेट्स लुक एट द स्क्रीन एंड सी व्हाट हैपेंस। तो बेसिकली आइडिया ये है कि लेट u इक्वल्स x, वेल देन वी गेट d ओवर dx ऑफ x टू द पावर 23 इक्वल्स 23 टाइम्स x टू द पावर 22 टाइम्स द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन x, यानी d ओवर dx ऑफ x, क्योंकि u था यहाँ पे, हमने इसको u को कह दिया ये x की बराबर है, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो रिजल्ट आएगा 23 टाइम्स x टू द पावर 22। यहाँ पे ये इसका d ओवर dx ऑफ x को क्या हुआ? वेल वी नो दैट दिस इज जस्ट 1, और इसकी वजह हमें पता है, ये पावर रूल से आप इसको डिफरेंशिएट करें तो x के ऊपर पावर 1 है, ऑफ कोर्स व्हेन यू अप्लाई द पावर रूल यू गेट जस्ट 1। तो ये जो है यहाँ पे थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा कि हो क्या रहा है, व्हाट्स एक्चुअली गोइंग ऑन। सो होपफुली चेन रूल नाउ मेक लुक्स अ लिटिल बिट बेटर इजियर, क्योंकि बात सिर्फ इस एग्जांपल की लास्ट की ये थी, कहने का मकसद ये था कि ये जो इसका जो हमने अभी तक डेरिवेटिव्स मालूम किए थे सिंपल फंक्शंस के, उनकी ये जनरलाइजेशन है। यानी जरूरी नहीं है कि यहाँ पे तो हमने u इक्वल्स x जब कहा तो हमने ये कह दिया कि आपकी कॉम्पोजिशन खत्म हो चुकी है एंड योर फंक्शन इज जस्ट डिफाइंड इन टर्म्स ऑफ x एंड दैट्स इट, यानी यू गेट अ सिंपलर फंक्शन एंड यू कैन जस्ट डू इट बाय यूजिंग यू नो चेन रूल, लेकिन इवेंचुअली इट वर्क्स आउट जस्ट लाइक फाइंडिंग द डेरिवेटिव ऑफ अ सिंपल फंक्शन जिसमें कॉम्पोजिशन नहीं होती। लेकिन यहाँ पे इससे जाहिर हो गया कि इसकी जनरलाइजेशन चेन रूल ही होनी चाहिए एंड दैट इज द पॉइंट बेसिकली। अच्छा, यहाँ पे एक टेबल मैं बना देता हूँ आपके लिए, आई विल पुट इट ऑन द स्क्रीन फॉर यू, ये आपकी रेफरेंस के लिए। इसमें बेसिकली कुछ आइडियाज़ हैं, बेसिक कॉन्सेप्ट्स के, किस किस सिचुएशन में कौन सा फार्मूला अप्लाई होता है चेन रूल के बारे में जो हम बात कर रहे हैं उसके हवाले से। लेट्स पुट इट ऑन द स्क्रीन फॉर यू। अच्छा जी, ये आपने टेबल देख लिया, इट्स ऑल्सो इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन लुक एट इट फर्दर इन डिटेल आफ्टरवर्ड्स, लेकिन ये भी रेफरेंस के लिए आपके लिए मैंने डाल दिया था इधर। अब ये है कि एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इट्स ऑलवेज गुड टू डू मोर एंड मोर एग्जांपल्स, सो अगेन लेट्स गो बैक टू द स्क्रीन एंड डू एन एग्जांपल। एग्जांपल जनाब आपकी है, फाइंड द डेरिवेटिव यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ द फंक्शन साइन 2x। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व है, पहले भी हमने देखा था एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन्वॉल्व था जिसकी एग्जांपल हमने पहले की थी विद द सिंपलर चेन रूल। अब इसमें हम जरा ये जो मोर कह रहे सोफिस्टिकेटेड वर्जन है चेन रूल का वो अप्लाई करेंगे एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। यहाँ पे देख लें कि लेट्स से दैट यू इक्वल्स 2x, तो यहाँ पे जो फार्मूला हमने लिखा था जिसको मैंने कहा था a, उसको अगर हम अप्लाई करें तो हमारे पास रिजल्ट आता है, और मकसद यही है कि d ओवर dx मालूम करना है। सो वी गेट d ओवर dx ऑफ साइन 2x, ये सब्स्टिट्यूशन हमने की थी u इक्वल्स 2x, सो वी बेसिकली गेट d ओवर dx ऑफ साइन ऑफ u। ये हमें मालूम है क्या होता है, ये होता है जनाब कोसाइन u, लेकिन वही बात है कि नाउ यू हैव टू मल्टीप्लाई दिस रिजल्ट विद द डेरिवेटिव ऑफ विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ u। व्हाट इज u? वी नो दैट इट्स जस्ट 2x, सो वी गेट, और u की यहाँ पे जो कोसाइन u में आप सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं वैल्यू, तो वो है 2x, सो यू गेट कोसाइन ऑफ 2x टाइम्स 2x का डेरिवेटिव क्या होता है, इट्स ओनली 2, सो यू गेट बेसिकली 2 टाइम्स कोसाइन ऑफ 2x। ठीक है जी, ये तो हो गया। अब इसमें एक सवाल उठता है जो आगे चल के भी ट्रीट कर लेंगे, हम फिर से देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे ये कि ये u जो है, हाउ डू वी नो व्हाट टू मेक u? तो सिंपल सी बात है कि जो चीज़ सिंप्लीफाई कर दे आपके गिवन फंक्शन को इन टर्म्स ऑफ, यानी बेसिकली वो एक ऐसा फंक्शन बना दे जिसको हम सिंपली डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लें, तो वो सब्स्टिट्यूशन आपको इस्तेमाल करनी चाहिए। जैसे यहाँ पे आपके पास फंक्शन था साइन 2x, तो आपको ये सोचना चाहिए था कि भाई हमें साइन ऑफ x को तो डिफरेंशिएट करना आता है, साइन 2x को नहीं आता, तो क्यों ना हम ऐसा करें कि जो 2x है उसको एक सिंबल दे दें सिंपल सा, यानी u का, तो हमारे पास फंक्शन आ जाएगा साइन ऑफ u।
It'll be in terms of a different variable, लेकिन it looks like sin x and we can then differentiate it using the chain rule. तो ये एक general सा concept है कि ऐसा substitution कीजिए जो आपके function को, given function को less complicate कर दे और ऐसा less complicate करे कि जो आपके पास result आता है वो simple function में हो शामिल, जो हमने पहले देखे थे कैसे differentiate करते हैं उनमें शामिल हो और उसको आप फिर डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हैं बिकॉज यू नो हाउ टू डू इट. लेकिन फिर साथ में मल्टीप्लाई करना होगा विद द डेरिवेटिव ऑफ दैट न्यू यू वैल्यू, कीपिंग इन माइंड कि यू की वैल्यू क्या है. तो आइए एक एग्जांपल और कर लेते हैं. एग्जांपल है जनाब यहाँ पे कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ टेंजेंट या टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, यानी डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन. तो अब यहाँ पे ये बात है कि यू क्या होगा. तो यहाँ पे आई थिंक यू शुड बी एबल टू सी कि अगर आप टेंजेंट एक्स स्क्वायर प्लस वन में एक्स स्क्वायर प्लस वन को अगर थोड़ी देर के लिए हटा दें और एक ऐसी सिंपल वैल्यू डाल दें यानी यू की, तो आपका फंक्शन बन जाएगा टेंजेंट या टेन यू विच लुक्स लाइक टेन एक्स. और टेन एक्स को हमें डिफ्रेंशिएट करना आता है, एक हमें हमारे पास जनरल फार्मूला है उसका, क्या होता है वो अभी हम देखेंगे. तो ये यहाँ पे बात है कि सब्स्टिट्यूशन ऐसी होनी चाहिए जो सिंप्लीफाई कर दे, टर्न्स योर गिवन फंक्शन इनटू अ सिंपलर फंक्शन. तो लेट्स कंटिन्यू विद दिस एग्जांपल. तो वही बात है कि यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मैं करूँगा यू इक्वल्स एक्स स्क्वायर प्लस वन और वो जो फार्मूला था इक्वेशन ए में वो हम इस्तेमाल करेंगे. सो वी गेट डी ओवर डी एक्स ऑफ टेंजेंट या टेन एक्स स्क्वायर प्लस वन, दिस हैज टू इक्वल डी ओवर डी एक्स ऑफ टेन यू बिकॉज दैट्स द सब्स्टिट्यूशन आई मेड. वेल आई नो हाउ टू डिफरेंशिएट टेंजेंट यू, इट लुक्स लाइक टेंजेंट एक्स. तो टेंजेंट एक्स का डेरिवेटिव होता है सीकेंट स्क्वेयर्ड एक्स. यहाँ पे चूंकि यू है मेरे पास सो आई गेट सीकेंट स्क्वेयर्ड यू, बट नाउ आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद डी यू ओवर डी एक्स. और यू क्या चीज़ है, वो है एक्स स्क्वेयर प्लस वन. सो वॉट इज डी ओवर डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वेयर प्लस वन, वेल दैट्स जस्ट टू एक्स. तो और उसके साथ साथ ये भी याद रखें कि सीकेंट स्क्वेयर्ड यू में यू की जगह आप एक्सेस डाल दें, एक्स जो उसकी वैल्यू है यू की इन टर्म्स ऑफ एक्स. So basically you get secant squared x squared plus 1 times 2x and that's equal to 2x times secant squared x squared plus 1. तो ये जनाब आपका इस तरह से सारा process जो है ये यहाँ पे आपने देखा कैसे इस्तेमाल होता है. And I think with these examples अब आपको काफ़ी हद तक clear हो गया होगा how to apply the chain rule. अच्छा जी, तो so far so good, hopefully everything is going okay. वही बात है कि मैं जैसे पहले भी कई बार कह चुका हूँ practice makes perfect. So we'll just do some more examples, फिर आगे बात करेंगे. तो let me put an example down for you on the screen. यहाँ पे जनाब एक थोड़ा सा complicated function है. जाहिर है चूंकि हम ज़्यादा से ज़्यादा complicated functions को simplify, उनका derivative मालूम करना चाह रहे हैं तो examples कर लेते हैं. Find d over dx of the function square root of x cube plus cosecant x. अच्छा जी, काफ़ी complicated function है, but वही बात है कि सिंप्लीफाई कैसे करेंगे. एक स्क्वायर रूट है और उसके अंदर एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड सी क्वांटिटी है. स्क्वायर रूट एक्स का हमें अगर आप याद करें डेरिवेटिव मालूम करना आता है. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, आपकी सब्स्टिट्यूशन क्या होनी चाहिए, यू शुड इक्वल टू वट एवर इज इनसाइड द स्क्वायर रूट सिंबल एंड देन यूल जस्ट गेट स्क्वायर रूट ऑफ यू विच यू कैन डिफरेंशिएट यूजिंग द चेन रूल. तो आइए इसको करते हैं. लेट यू इक्वल एक्स क्यूब प्लस कोसेकेंट एक्स, देन यूजिंग द फॉर्मूला इन इक्वेशन ए वी विल गेट d over dx of square root of x cube plus cosecant x, that's just equal to d over dx of square root of u. ये हमें याद है कि कैसे करते हैं, इसका रिजल्ट आएगा 1 over 2 times square root of u, लेकिन अब इसको मल्टीप्लाई करना होगा du over dx से. well that's just equal to 1 over 2 times the square root of x cube plus cosecant x, यहाँ पे u की जगह उसकी वैल्यू डाल दी है मैंने जो सब्स्टिट्यूशन की थी, times the derivative of with respect to x of x cube plus cosecant x. ठीक है जी, यहाँ तक मैंने कर दिया है. आई थिंक यहाँ पे अगर मैं आपको करने दूँ ये मजीद फाइनल स्टेप कैसे सॉल्व करेंगे, दैल बी गुड प्रैक्टिस, सो आई लेट यू डू इट और हम आगे चल के और देखते हैं क्या है करने के लिए. अच्छा जी, तो आगे अब ये है कि आज का जो एक लास्ट टॉपिक जो है हमारा, उसमें यह है कि एक अभी तक हमने देखा कि शुरू में हमने बेसिक कॉन्सेप्ट चेन रूल की बात करनी है. उसमें हमने पहले डिफाइन किया क्या था बहुत ही बेसिक नोटेशन में. तो असल चीज़ ये है कि नोटेशन अगर सिंप्लीफाई होती जाए तो थिंग्स बिकम ईजियर. तो फिर हमने ये देखा कि उसकी नोटेशन से अगर हम थोड़ा सा जिसे कहते हैं प्ले अराउंड करें, तो
तो हम एक और तरह से लिख सकते थे चेन रूल को, और उससे थोड़ा याद करने में आसान रहता है चेन रूल, कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग ज़रा बेहतर हो जाती है. अब ये है कि एक और अप्रोच है चेन रूल को देखने की, इट्स अनदर वे ऑफ लुकिंग एट इट, तो उसको भी देख लेते हैं. लेट्स गो टू द स्क्रीन. यहाँ पे देखें कि बेसिकली इट्स एन अल्टरनेटिव अप्रोच टू यूजिंग द चेन रूल. याद रखें, इफ यू रिमेंबर, वी स्टार्टेड विद एफ ऑफ जी ऑफ एक्स एंड देन बेसिकली लेबल्ड जी ऑफ एक्स एज यू. तो इसका इफेक्ट क्या हुआ था? इसका इफेक्ट ये हुआ था कि वी गॉट एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स वॉज आर ओरिजिनल फंक्शन, वाई इक्वल्स एफ ऑफ जी ऑफ एक्स. यहाँ पे सिंप्लीफिकेशन के लिए हमने कहा था कि जी जी ऑफ एक्स जो है उसको यू का नाम दे दें, तो हमारे पास रिजल्ट आ गया था वाई इक्वल्स एफ ऑफ यू. तो इसको हम थोड़ा सा देखना चाहते हैं कि फिर हमने चेन रूल ऑफ कोर्स डिराइव कर लिया था, यहाँ पे हम नोटेशन चेंज करके कुछ थोड़ा सा लिखना चाहते हैं. लेट मी पुट ऑन द स्क्रीन फॉर यू. यहाँ पे यही बात है कि वही मकसद वही है कि d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे मैं किस तरह लिखूंगा इसको. आई विल राइट दिस एज एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स. तो ये कहाँ से आई ये सारी नोटेशन? ये ऐसे आई कि बजाय u इक्वल्स जी ऑफ एक्स लिखने के, व्हाट इफ आई डोंट डू दैट? तो उसमें भी कोई मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि वो तो सिर्फ आसानी के लिए थी. अगर आप u का नाम ना दें उसको, तब भी चेन रूल से यही रिजल्ट आएगा. चेन रूल की डेरिवेशन में थोड़ी आसानी हो गई थी जब हमने कहा था u इक्वल्स जी ऑफ एक्स. यहाँ पे मैंने वो सब्स्टिट्यूशन नहीं किए, एंड आई हैव जस्ट रिटन डाउन द चेन रूल डायरेक्टली इन टर्म्स ऑफ प्राइम नोटेशन. तो लेट्स लुक एट इट अगेन. बेसिकली बात वही है कि d ओवर डी एक्स ऑफ एफ ऑफ जी ऑफ एक्स इक्वल्स एफ प्राइम ऑफ जी ऑफ एक्स टाइम्स जी प्राइम ऑफ एक्स. तो ये नई नोटेशन है. इससे नोटेशन वाली बात है कि डिफरेंट नोटेशंस कैन गिव यू अ डिफरेंट काइंड ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सेम थिंग. उम्मीद यही होती है कि डिफरेंट नोटेशन इस्तेमाल करेंगे तो अंडरस्टैंडिंग बेहतर से बेहतर हो जाएगी. तो इस नोटेशन से एक थोड़ी सी नई बात, एक नए तरीके से हम चेन रूल को कह सकते हैं, देख सकते हैं, उसको मैं लिख देता हूँ स्क्रीन पे. विद दिस नोटेशन वी कैन से इनफॉर्मली ऑफ कोर्स दैट द चेन रूल बेसिकली सेज डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन एफ. ये थोड़ी देर पहले मैंने बात की थी आउटर फंक्शन और इनर फंक्शन की, वही बात मैं कर रहा हूँ कि डेरिवेटिव ऑफ द आउटर फंक्शन एफ देन टेक द डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन जी एंड देन मल्टीप्लाई द टू टुगेदर. दैट्स जस्ट अनदर वे ऑफ लुकिंग एट द चेन रूल. और वो वही बात है कि नोटेशन डिफरेंट है, यहाँ पे मकसद वही है. बस इस नोटेशन से ये हुआ कि एक तरह से नई तरीके से आप देख सकते हैं कि असल में हो क्या रहा है. आपके पास कॉम्पोजिशन है फंक्शंस की, आउटर फंक्शन जो है उसका डेरिवेटिव लें, फिर मल्टीप्लाई कर दें इनर फंक्शन के डेरिवेटिव से उसको, एंड दैट इज एग्जैक्टली द चेन रूल. वही बात है जो हमने पहले नोटेशन में देखी थी. आई कैन सी दैट इट्स ऑब्वियसली द सेम थिंग, बट आपको शायद हो सकता है थोड़ी सी मुश्किल हो रही हो देखने में. तो उसमें वही बात है कि दोनों जो हमने इक्वेशंस देखी हैं अभी तक जितनी भी चेन रूल की, उनको लिखिए एंड कन्विंस योरसेल्फ कि दे आर द सेम थिंग. वी नो हाउ वी गॉट यू इन द प्रीवियस फार्मूलाज. वही बात थी कि यू वॉज इक्वल टू जी ऑफ एक्स. तो वहाँ पे मैंने, यहाँ पे आखिरी वाले में मैंने कहा था नोटेशन में कि यहाँ पे अगर मैं ना करूँ ये सब्स्टिट्यूशन तो ये फॉर्मूला आता है. तो प्लीज़ राइट इट डाउन एंड कन्विंस योरसेल्फ दैट दिस इज इंडीड ट्रू. तो इस नोटेशन को इस्तेमाल करते हुए हम एक एग्जांपल आखिरी कर लेते हैं एंड देन वील रैप इट अप. तो लेट्स गो टू द स्क्रीन. एग्जाम्पल है जनाब, फाइंड डी ओवर डी एक्स ऑफ कोसाइन ऑफ 3x + 1. यहाँ पे फंक्शन आइडेंटिफाई करने, ये बड़े मजे की बात है इस नोटेशन की कि यहाँ पे आपको पहले फंक्शंस आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे. तो एफ ऑफ एक्स जो है वो कोसाइन एक्स हो जाएगा, जी ऑफ एक्स जो है वो 3x + 1 हो जाएगा. ये आइडेंटिफिकेशन कैसे हुई? डी यानी बेसिकली यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो है वो है डीकम्पोजिशन ऑफ फंक्शंस. यानी एक फंक्शन आपको दिया हुआ है विच इज द कॉम्पोजिशन ऑफ टू फंक्शंस. अब आपको ब्रेक करना है कि वो इंडिविजुअल फंक्शंस है क्या. तो वो कई तरीके से हो सकते हैं. यहाँ पे मैंने इस तरह से किए हैं और हो सकता है यहाँ पे सिर्फ इसी तरह से हो सकते हो, लेकिन आई इनवाइट यू टू प्ले अराउंड विद दिस ऑल्सो. हो सकता है कोई और तरीका भी हो. लेट्स कंटिन्यू विद दिस डीकम्पोजिशन. ऑल्दो यहाँ पे देखिए कि अब मुझे डेरिवेटिव मालूम करना है कोसाइन ऑफ 3x + 1 का. तो बेसिकली ऑल आई हैव टू डू इज टू यूजिंग द प्राइम नोटेशन विच वी जस्ट सॉ. अब मैं वो यूज और डी एक्सेस की कोई परेशानी की बात नहीं है. अब सिंपल सी बात है, कोसाइन ऑफ 3x + 1 को आप डेरिवेटिव लेंगे तो रिजल्ट आएगा माइनस साइन ऑफ 3x + 1, और 3x + 1 का प्राइम लेंगे तो क्या आता है? रिजल्ट आता है 3, एंड द फाइनल रिजल्ट इज -3 टाइम्स साइन ऑफ 3x + 1. तो जनाब ये इसमें देखिए कि यहाँ पे बड़े मजे की बात ये है कि इस नोटेशन में कोई सब्स्टिट्यूशन बनाने की जरूरत नहीं थी, कोई डी ओवर डी एक्स लिखने की जरूरत नहीं थी. हो सकता है आपको वो कन्फ्यूज कर रहा हो. यू डोंट नीड टू डू इट विद दिस नोटेशन.
ये सिर्फ याद रखने की बात है कि आपको प्राइम्स लेने, तो वो ये इस इसकी नोटेशन की अच्छी बात है कि यूज सारे हट जाते हैं और रिजल्ट वही आता है फिर भी। और वही बात है कि आप इसको गौर से देखिए एंड इसको उस यू वाली नोटेशन से भी करके देख लें इस एग्जांपल को, एंड यू विल गेट द सेम रिजल्ट। तो जनाब ये आज का चेन रूल का लेक्चर हो गया हमारा। चेन रूल के बारे में बात की, वेरी इंपॉर्टेंट रूल ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स और डिफरेंशिएटिंग। तो इसको अच्छी तरह से याद कर लीजिए, समझ लीजिए। याद तो ज़ाहिर है कर लेंगे, याद करना आसान होता है, समझना जो है दैट्स द क्रूशियल थिंग। सो होपफुली जो हमने बातचीत की इससे आप समझ आ गया होगा कि चेन रूल क्या होता है। वही बात है कि द बेसिक आइडिया इज व्हाई डू वी नीड चेन रूल, वी नीड इट बिकॉज वी वॉन्ट टू हैव अ वे ऑफ फाइंडिंग डेरिवेटिव्स ऑफ फंक्शंस दैट आर कंपोजिशंस ऑफ अदर फंक्शंस, दैट इज़ वाई वी नीड द चेन रूल। हमने इसका देख लिया क्या होता है ये, तो इसको याद कर लीजिए, होमवर्क कीजिए इसका, और कोई प्रॉब्लम हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा ईमेल करके। तो इस वक्त ये लेक्चर यहाँ पे ख़त्म करते हैं, एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। थैंक यू और खुदा हाफिज़।